अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर अशरफ यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट से आपके लिए लेके आए हैं आज वेलेंटिनो 250। और आप सब लोग जानते हैं ये एक इटालियन प्रोडक्ट है, मेड चाइना है, बट जिस तरह से बेनेली है, आईफोन है, डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज चाइना में रखी हुई है, इसी तरीके से ये एक इटालियन प्रोडक्ट है, चाइना मेड है। 250 सीसी सिंगल सिलेंडर है, इसके बारे में बात करेंगे, इसकी डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे, रिव्यू में इसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे, साउंड टेस्ट भी करवाएंगे। डिटेल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कुछ जेनेरिक स्पेक्स। ये 250 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है, ऑयल कूल के साथ कार्बोरेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। इंजन के बारे में बताऊं तो इसकी इंजन 18 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। 6-स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन के साथ ये इंजन आता है। फ्रंट के ऊपर हमें ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर दी जाती है, जबकि रेयर के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। लेके चलते हैं आपको 360 की जानिब और उसके बाद साउंड टेस्ट करवाएंगे और फिर बात करेंगे प्राइस के बारे में। व्यूअर्स, फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत एग्रेसिव लाइट्स हैं इसकी। यहाँ पर आपको देखें DRL की ऑप्शन दी जाती है, उसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए जाते हैं और साथ साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ भी DRL दी जाती है। फ्रंट के ऊपर इसकी पार्किंग लाइट दी जाती है जो कि LED बेस्ड है, काफी खूबसूरत इसकी फ्रंट की लुक्स है। फ्रंट टायर के बारे में व्यूअर्स अगर बात की जाए तो फ्रंट के ऊपर 120/70/17 का टायर दिया जाता है और फ्रंट के ऊपर ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। फ्रंट शॉक्स के बारे में बात करें व्यूअर्स तो ये टेलीस्कोपिक शॉक है, अपसाइड डाउन नहीं आते, इस मॉडल पे टेलीस्कोपिक शॉक दिए जाते हैं। उसके अलावा इंजन के बारे में बात करें तो व्यूअर्स सिंगल सिलेंडर इंजन है, आपको एक एग्जॉस्ट नजर आ रहा होगा, उसके अलावा ऑयल कूल है तो आपको ऑयल कूलर नजर आ रहा होगा। ड्यूअल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स के अंदर बहुत जरूरी होता है कि वाटर कूल इंजन हो या ऑयल कूल हो, सिंगल सिलेंडर एयर कूल भी बेहतरीन चलता है, बट इस स्पेसिफिक मॉडल के अंदर ऑयल कूल इंजन दिया गया है जो इसकी परफॉर्मेंस को मजीद इनहांस करता है। ओवरऑल आप कंडीशन देखें बाइक में, किसी किस्म का कोई स्क्रैच कोई स्पॉट नहीं है, नीट एंड क्लीन इंजन के अंदर है। ये इंजन के बारे में मैंने आपको बताया तो इसके अंदर 250 सीसी सिंगल सिलेंडर कार्बोरेटर बेस्ड 18 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। ओवरऑल कंडीशन आप देख सकते हैं कोई स्पॉट नहीं है, नीट एंड क्लीन कंडीशन है। रेल टायर के बारे में व्यूअर बात करें तो रेल के ऊपर 150/70/17 का टायर दिया जाता है, उसके अलावा रेल पे सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिपर दे दिया जाता है। एक पावरफुल मोनोशॉक यहाँ पर हमें दे दिया जाता है जिसके अंदर प्री लोड की एडजस्टमेंट की ऑप्शन मौजूद होती है। टेल लाइट भी आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत है, DRL बेस्ड टेल लाइट है, इसके अंदर अपना ओरिजिनल मडगार्ड इसके अंदर लगा हुआ है और पूरे बाइक के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पर ये एक स्पॉट नजर आएगा, बाकी बाइक नीट एंड क्लीन है। इस साइड से भी कंडीशन आप देख सकते हैं, 6-स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन यहाँ पर हमें दे दी जाती है। साइड से कंडीशन भी देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। नॉर्मली इन बाइक्स के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि कहीं पर बाइक का पेट्रोल लीक हो गया, ओवर हो गया, तो इसको पेट्रोल बंद करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होती है हमारे पास, बट यहाँ पर इन्होंने एक फ्यूल कॉक की ऑप्शन हमें दे दी है जहां से हम फ्यूल को बंद कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी ऑप्शन तारों ने दी गई है। और इसका फ्रेम भी आप देख सकते हैं काफी पावरफुल फ्रेम है, नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक चाइनीज बाइक के अंदर इतना अच्छा फ्रेम नहीं होता, इसके अंदर ड्यूअल फ्रेम है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा टैंक की जानिब लेके चले व्यूअर्स, तो टैंक के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है और इसके अंदर आपको एक स्टील बेस्ड टैंक दिया जाता है। मीटर की जानिब लेके चले व्यूअर्स, तो आपको मीटर पे RPM की ऑप्शन दी जाती है, गियर इंडिकेशन, फ्यूल गेज और उसके अलावा किलोमीटर पर आर की ऑप्शन दे दी जाती है। राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, पार्किंग लाइट और हाई की ऑप्शन दी जाती है, उसके अलावा सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है, जबकि इस साइड के ऊपर आपको लो हाई डिपर चोक की ऑप्शन दी जाती है, चूंकि ये कार्बोरेटर बेस्ड मशीन है तो यहाँ पर आपको चोक नजर आएगी, इंडिकेटर की ऑप्शन दी जाती है और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है। लेके चलते हैं व्यूअर्स आपको इसके साउंड टेस्ट की जानिब और फिर बात करेंगे प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स, साउंड टेस्ट आपने स्क्रीन में देखा, यहाँ पर इसका अपना ओरिजिनल एग्जॉस्ट इंस्टॉल है जिसकी वजह से साउंड बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, अगर इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर दिया जाए तो साउंड काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन भी मौजूद है जिसके अंदर आपको 50% डाउन पेमेंट देना होती है, 2 रावलपिंडी के शाहबाद के गैरेंटर होना जरूरी है,
आप किसी भी शहर से लोकल ग्रेंडर हमें चाहिए होते हैं वो मस्त है। दो लोकल ग्रेंडर, एक बैलेंस अमाउंट का सिक्योरिटी चेक और 50% एडवांस के साथ आप ये बाइक किसी भी शहर में लेके जा सकते हैं। प्राइस अकॉर्डिंगली चेंज होगी, डिपेंड करता है कितने अर्से का प्लान ले रहे हैं, उस हिसाब से प्राइस चेंज होगी। लेके चलते हैं व्यूअर्स, अब आपको इसके प्राइस सेगमेंट में जाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखा आपने रिव्यू इस टारो जीपी वन का, काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर भी लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। प्राइस के बारे में बात करें तो व्यूअर्स, ये 2022 का मॉडल है, अनरजिस्टर्ड बाइक है, कंडीशन आपने वीडियो के अंदर देखी और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 5,30,000 है, 5,30,000 रुपीज। और इस बाइक को परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं या हमारे शोरूम यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।